राजनीति में जब जब ग्लैमर का तड़का लगा तो क्राइम की खबरें सामने आई। क्राइम भी ऐसे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, जिनकी चर्चा सालों बाद भी अक्सर होती रहती है। ऐसे ही कुछ चर्चित मामलों को लेकर आज हम हाजिर हैं। भारतीय राजनीति में बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका शादी के बाद किसी न किसी से अफेयर हुआ। कुछ ने पत्नी को छोड़कर तो किसी ने तलाक देकर अपनी प्रेमिकाओं को जीवन साथी बना लिया। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रहे जिनकी लव स्टोरी ना केवल विवादित रही बल्कि उसका दुखद अंत भी हुआ। इन नेताओं पर अपनी प्रेमिका या पत्नी की मौत का इल्जाम भी लग चुका है। कुछ नेता अपनी प्रेमिकाओं की हत्या और सुसाइड के मामले में जेल की हवा भी खा चुके हैं। इस सनसनीखेज सच्ची कहानियों में लव, सेक्स, धोखा तो है ही, साथ में है मर्डर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। सात दिसंबर 2008, सर्दियों की दोपहर, जब हरियाणा की राजनीति से शुरू हुई प्यार की एक कहानी का साक्षी बना भारतीय मीडिया। वहां कई पत्रकार खड़े थे, बड़ी संख्या में कैमरे लगे थे। सवालों की झड़ियां शुरू होती उसके पहले ही प्यार में डूबा वो लवी डवी कपल सामने आया, एक दूसरे को गले लगाया और देश की पूरी मीडिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया, ऐलान किया। ये खबर फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन ये है हरियाणा की राजनीति की वो हकीकत जो कभी देश के अखबारों और टेलीविजन की हेडलाइन बनी थी। मीडिया के सामने प्यार का इजहार करने वाले ये लवी डवी कपल कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और उनकी गर्लफ्रेंड अनुराधा बाली थे। चंद्रमोहन अब चांद मोहम्मद बन चुके थे, जबकि अनुराधा बाली ने खुद के लिए चुना था फिजा नाम। ये दोनों बेहद फिल्मी अंदाज में मीडिया के सामने आए और बताए अपने रिश्ते की पूरी हकीकत। इस सेंसेशनल पॉलिटिकल लव स्टोरी का ऐलान बेशक दिसंबर 2008 में मीडिया के सामने हुआ हो, लेकिन इसकी शुरुआत तो करीब 4 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हां, 2004 में पहली बार चंद्रमोहन अनुराधा से मिले। दोनों चंडीगढ़ के एक शॉप में जूस पीने आए थे। पहले से शादीशुदा चंद्रमोहन पहली नजर में ही फिजा को अपना दिल दे बैठे। मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और दोनों का प्यार भी गहरा होता चला गया। इसी दौरान चंद्रमोहन ने अनुराधा को राज्य का महाधिवक्ता बना दिया। चंद्रमोहन के परिवार का हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम था। वो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे थे और उस वक्त खुद भी उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली का प्यार धीरे धीरे सबको नजर आने लगा और ये बात चंद्रमोहन के परिवार को नागवार गुजरी। चंद्रमोहन की पत्नी सीमा ने चंद्रमोहन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो माने नहीं। अनुराधा बाली पर भी दबाव डाला गया, लेकिन ये दोनों किसी भी कीमत पर अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थे। 4 साल तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन अचानक अक्टूबर 2008 को चंद्रमोहन गायब हो गए। ना परिवार को चंद्रमोहन की कोई खबर थी और ना ही उस वक्त के मुख्यमंत्री को राज्य के उप मुख्यमंत्री के गायब होने की कोई सूचना। उप मुख्यमंत्री के गायब होने से राज्य में हड़कंप मच गया। फिर एक दिन चंद्रमोहन ने SMS कर मुख्यमंत्री हुड्डा को बताया कि वो एक धार्मिक यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद्रमोहन 3 महीने से गायब थे, लेकिन जब वो लौटे तो बिल्कुल बदले बदले थे और इस बार वो अनुराधा के साथ अपने रिश्ते को नया नाम देने का मन बना चुके थे। 7 दिसंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कई सनसनीखेज खुलासे हुए जिसने लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पहली बार चंद्रमोहन ने बताया कि वो अनुराधा बाली से शादी कर चुके हैं। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली परिवार और समाज के खिलाफ जाकर एक दूसरे के हो चुके थे। चंद्रमोहन और अनुराधा दोनों ही पहले से शादीशुदा थे, इसलिए दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा और बन गए चांद मोहम्मद और फिजा। चांद और फिजा ने बताया कि वे दोनों मेरठ में थे और वहीं पर उनका निकाह हुआ। चांद मोहम्मद और फिजा के ऐलान के बाद तो हरियाणा की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। चंद्र मोहम्मद के पिता भजन लाल ने उन्हें अपने परिवार और संपत्ति दोनों से ही बेदखल कर दिया।
चांद और फिजा को धमकियां दी गई, लेकिन प्यार में डूबा ये जोड़ा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। दोनों चंडीगढ़ के एक फ्लैट में साथ में रहने लगे। ऐसा लगा कि शायद थोड़े समय के बाद दोनों के प्यार के सामने हरियाणा में चल रहा भूचाल थम जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक महीने बाद फिर से एक ऐसी सनसनी फैलाने वाली खबर आई जिसने हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी। चांद और फिजा की शादी को अभी डेढ़ महीना भी नहीं बीता था कि अचानक चांद मोहम्मद के फिजा के घर को छोड़ने की खबर आई। चांद मोहम्मद फिजा को छोड़कर लंदन जा चुके थे, लेकिन फिजा ये मानने को तैयार ही नहीं थी। 28 जनवरी 2009 को फिजा ने चांद मोहम्मद के किडनैप होने की शिकायत दर्ज कराई। फिजा ने चांद मोहम्मद की पहली पत्नी, पिता और भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 31 जनवरी को पहली बार चांद मोहम्मद का बयान आया। चांद उर्फ चंद्र मोहन ने कहा कि उन्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चों की याद सता रही है और वो उनके पास वापस लौटना चाहते हैं। चांद के धोखे से अंदर फिजा टूटने लगी थी, लेकिन उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। 2011 में फिजा ने एक राजनीतिक पार्टी फिजाए हिंद बनाई। इसके अलावा फिजा ने कुछ रियलिटी शो में भी काम किया। एक फिल्म में भी वो वकील की भूमिका निभाती नजर आईं। फिजा चंद्रमोहन और परिवार के खिलाफ लगातार लड़ती रही, लेकिन उनकी जिंदगी दलदल में धंसती जा रही थी। फिजा के विवाद अक्सर मीडिया में छाए रहते थे। कभी पड़ोसियों से लड़ाई, कभी मारपीट। वो अक्सर ही अपनी नेगेटिव छवि के लिए मशहूर हो रही थी। और फिर आखिरकार 6 अगस्त 2012 को फिजा की मौत की खबर ने सनसनी फैला दी। फिजा की लाश 3-4 दिन तक घर के अंदर सड़ती रही। जब बाहर बदबू फैलने लगी तो सामने आया फिजा की मौत का हकीकत। फिजा का शव पंखे से झूलता मिला। पास ही शराब की बोतल, सिगरेट और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नशे के ओवरडोज का मामला सामने आया। फिजा की मौत एक मिस्ट्री बन गई। सच क्या था कभी भी सामने नहीं आ पाया, लेकिन जिसने भी चांद और फिजा की कहानी को देखा और सुना उसके अंदर हमेशा कई सवाल खड़े रहे। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 40 दिन में ही चांद मोहम्मद ने फिजा से अलग होने का मन बना लिया? क्या राजनीति की भेंट चढ़ गया चांद मोहम्मद और फिजा का प्यार? यूपी की सियासत में दागदार नेताओं की कमी नहीं है। हमेशा से ही यहाँ बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा। अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनावी बयार का रुख अपनी तरफ मोड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन एक नेता ने राजनीति से इतर कुछ ऐसा किया कि अर्श से सीधा फर्श पर आ गया। यूपी के इस बड़े नेता का नाम था अमर मणि त्रिपाठी। कविताओं की दुनिया में मधुमिता का नाम तो जाना पहचाना था, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में उनका नाम पहली बार 9 मई 2003 को सुनाई दिया। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में उभरती वीर रस की कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मधुमिता गर्भवती थी। डीएनए जांच कराई तो पिता की पहचान अमर मणि त्रिपाठी के तौर पर हुई और यहीं से एक विधायक के वर्चस्व का किला ढहने लगा। अमर मणि त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे सियासतदान के तौर पर थी जो हर सत्ता का साथी था। उसका राजनीतिक सफर हर पार्टी के कार्यकाल में जारी रहा। सियासी गलियारों में वो कभी साइकिल पर सवार दिखा तो कभी हाथी की सवारी करते हुए नजर आया। उसने कमल का फूल पकड़ भी सत्ता का भोग किया। राजनीतिक हलकों में होने वाली चर्चाओं ने उसे बाहुबली बना दिया था, लेकिन हत्याकांड की खुलती परतों ने उसी बाहुबली को हत्याकांड का दोषी साबित कर दिया। बाहुबली होने के चलते अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ इस मामले में कब राजनीतिक रंग ले लिया किसी को पता ही नहीं चला। केस की शुरुआत के साथ ही अमर मणि पर जांच प्रभावित करने के आरोप लगते रहे, जिसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में अमर मणि त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और दो साथी संतोष राय और प्रकाश पांडे के नाम चार्जशीट दाखिल कर दी। इस हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी को उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में उन्हें सजा काटने के लिए गोरखपुर के मंडलीय कारागार में भी भेजा गया। हरियाणा में अक्सर ही अपराध की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक होती हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं।
हरियाणा की पृष्ठभूमि से एक दशक पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये पॉलिटिक्स, पावर, सेक्स और मर्डर का एक ऐसा कॉकटेल था जो सालों तक खबरों में अपनी जगह बनाता रहा, क्योंकि इसमें नाम जुड़ा एक बड़े नेता गोपाल कांडा का। 18 अक्टूबर 2006, एनडीएलआर एयरलाइंस का गुड़गांव का ऑफिस। 17 साल की एक खूबसूरत सी लड़की इंटरव्यू के लिए इस ऑफिस में आती है। इंटरव्यू होता है, कई तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं, लेकिन गीतिका की उम्र महज 17 साल है, इसलिए वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाती। इंटरव्यू लेने वाले उन्हें वापस जाने के लिए बोलते हैं। कंपनी के मालिक गोपाल कांटक ये पूरा का पूरा इंटरव्यू अपने सीसीटीवी में देखते हैं और कंपनी के दूसरे लोगों से अलग गीतिका को नौकरी पर रखने का फैसला करते हैं। बस यहीं से शुरू होती है एयर होस्टेस गीतिका शर्मा और नेताजी गोपाल कांडा के रिश्तों की ऐसी कहानी जिसमें गीतिका मौत को गले लगाती है। 5 अगस्त 2012 को महज 21 साल की उम्र में गीतिका ने दिल्ली के अशोक नगर स्थित अपने घर में जान दे दी। गीतिका ख्वाब देखती थी एयर होस्टेस बनने का, वो उड़ना चाहती थी। एमडीएलआर कंपनी की तरफ से जैसे ही उन्हें ऑफर मिला, खुशी खुशी गीतिका कंपनी ज्वाइन कर ली। गीतिका उस वक्त सिर्फ 17.5 साल की थी, यानी बालिग होने में उन्हें अभी 6 महीने बाकी थे, इसलिए कंपनी ने 6 महीने के लिए गीतिका को ट्रेनिंग में रखा और उसके बाद उन्हें केबिन क्रू में शामिल कर लिया। बस ऐसा लग रहा था कि गीतिका के सपने अब पूरे हो रहे। जैसे जैसे कंपनी में गीतिका का समय बढ़ता जा रहा था, उनकी कंपनी के मालिक गोपाल कांडा से करीबियां भी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि गीतिका को एक के बाद एक कई प्रमोशंस मिल रहे थे। गीतिका बेहद खुश थी। पहले जूनियर क्रू मेंबर, फिर सीनियर और फिर कोऑर्डिनेटर। 4 साल में ही गीतिका अच्छी ग्रोथ कर रही थी। कंपनी की पार्टीज में भी वो अक्सर ही नजर आती थी। कहा जाता है कि गीतिका को हमेशा खास तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था। कहते हैं कि गीतिका का जन्मदिन भी गोपाल कांडा के फार्म हाउस में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गीतिका चाहती थी। लेकिन फिर कुछ सालों बाद अचानक खबर आई कि एनडीएलआर कंपनी की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में नाम लिखा गया गोपाल कांडा का। जैसे ही ये खबर सामने आई, हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। देश भर में गीतिका शर्मा और मंत्री गोपाल कांडा का नाम चर्चा का मुद्दा बन गया। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर शारीरिक शोषण करने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा की एक सहयोगी अरुणा चड्डा का नाम भी आरोपियों में लिखा हुआ था। रोज अखबारों में गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा का केस सुर्खियां बनने लगा। गीतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में गीतिका के साथ अप्राकृतिक सेक्स की बात सामने आई। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आई कि गीतिका का कई बार अबॉर्शन भी करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुइसाइड नोट के आधार पर दिल्ली की एक अदालत ने गोपाल कांडा को रेप और सुइसाइड करने के लिए उकसाने का आरोपी बनाया। लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और वो 18 महीने तक न्यायिक हिरासत में भी रहे। इस दौरान गीतिका और गोपाल कांडा को लेकर कई तरह की कहानियां भी सामने आई। कई खबरों के मुताबिक दूसरी आरोपी अरुणा चड्डा ने बताया कि गीतिका गोपाल कांडा पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि गोपाल कांडा दोनों के रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते थे। कई महीनों तक दोनों के रिश्तों की खबरें चर्चा में रही। गोपाल कांडा ने निचली अदालत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने कांडा के ऊपर रेप का मामला हटा दिया और सिर्फ सुसाइड को लेकर उकसाने पर केस चलता रहा। बाद में वो जमानत पर बाहर भी आ गए। 2014 में गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया और फिर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो सिरसा से जीत दर्ज नहीं करवा पाए। ऐसा लगा कि शायद उनका राजनीतिक जीवन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 में एक बार फिर से सिरसा से ही गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत भी गए। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और गोपाल कांडा ने बीजेपी को समर्थन भी दिया। 2020 में तथ्यों के अभाव के आधार पर पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
कोर्ट से भी गोपाल कांडा को क्लीन चिट मिल गई और गोपाल कांडा और गीतिका कांडा का केस महज चंद सालों की कहानी बनकर रह गया। राजस्थान के तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और पेशे से नर्स रही भवरी देवी के प्यार का दुखद अंत हुआ। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में ANM रही भवरी देवी के हत्याकांड की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। देश में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन राजस्थान के इस कांड ने हड़कंप मचा दिया। भवरी देवी ANM के साथ लोक गायिका भी थी, इसलिए बड़े लोगों के बीच उठना बैठना था। लेकिन जब साल 2011 में वो अचानक ही गायब हुई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। जब सितंबर 2011 में भवरी देवी गायब हुई तो कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई। ये केस हाई प्रोफाइल तब हो गया जब मामले में राजस्थान सरकार ने तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई पर आरोप लगे। उस वक्त रिपोर्ट्स में कहा गया कि भंवरी देवी दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मामला बढ़ा तो केस CBI को सौंप दिया गया और दोनों आरोपियों को जेल भी भेजा गया। दरअसल इस मामले की नींव साल 2002 के दौरान पड़ी। CBI की चार्जशीट के मुताबिक साल 2002 में भंवरी देवी अपनी नौकरी के सिलसिले में मलखान सिंह बिश्नोई से मिली थी। इन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी और मामला प्रेम में बदल गया। बताया गया कि इनकी एक बेटी भी हुई। इसके बाद मलखान के जरिए ही भंवरी की मुलाकात महिपाल मदेरणा से भी हुई। मामले में कहा गया कि भंवरी देवी और मलखान के बीच तल्खी बेटी को लेकर हुई। जब बात नहीं बनी तो भंवरी ने मलखान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस बीच मलखान ने भंवरी देवी को शांत कराने का काम अपनी बहन इंदिरा को सौंप दिया। फिर थोड़े दिनों में भंवरी ने मलखान और महिपाल मदेरणा के साथ कथित अश्लील CD कांड की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। इस CD कांड के थोड़े दिनों बाद ही भंवरी देवी गायब हो गई। उसके बाद उसके पति अमरचंद ने 20 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था। मदेरणा और भंवरी देवी की कथित अश्लील CD सामने आई, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को बर्खास्त कर दिया। फिर आरोप लगे कि भंवरी मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। मामले में जांच के बाद सामने आया कि भंवरी से CD निकालने के लिए उसका अपहरण किया गया था और बाद में हत्या भी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में गैंग का हाथ भी था और उन्होंने ही भंवरी देवी का कत्ल कर कथित तौर पर लाश को जला दिया था। साथ ही सबूत ना मिले इसलिए राख को सड़क से दूर फैला भी दिया गया था। इस मामले के 5 साल बाद मलखान की बहन इंदिरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो फरार चल रही थी। इस पूरे मामले में CBI महिपाल मदेरणा, मलखान और भंवरी के पति अमरचंद समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में आरोपी कई सालों तक जेल में रहे। फिर हाईकोर्ट ने मामले में दायर जमानत याचिका के चलते सभी 16 आरोपियों को अगस्त 2021 में जमानत दे दी, जबकि इंदिरा विश्नोई को जमानत 1 महीने बाद मिली थी। वहीं भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा का अक्टूबर 2021 को बीमारी के चलते निधन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइटर लाइव।